नमस्कार, राजदावा टीवी पर आपका स्वागत है। मैं प्रिया आपके साथ। खालिस्तानी आतंकी भारत में अपनी गतिविधियों को चलाने के लिए ड्रग तस्करों की मदद से फंड जुटा रहे हैं। इसके अलावा अन्य देशों में बसे लोगों से भी फंड लेते हैं और उनकी पहचान छिपाए रखते हैं। ये जानकारी एनआईए ने अपनी चार्जशीट में दी है। एनआईए ने गैंगस्टर आतंकवादी साठगांठ के मामले में प्रतिबंधित आतंकी संगठन बब्बर खालसा इंटरनेशनल और खालिस्तान टाइगर फोर्स से जुड़े 3 लिस्टेड आतंकवादियों सहित 9 आतंकियों के खिलाफ स्पेशल कोर्ट में चार्जशीट दायर की है। चार्जशीट बीकेआई के हरविंदर सिंह संधू उर्फ रिंदा, लखबीर सिंह संधू उर्फ लांडा, केटीएफ के अर्शदीप सिंह उर्फ अर्श डाला के खिलाफ दाखिल की गई है। ये तीनों विदेश में हैं। एनआईए ने कहा कि इन आतंकियों के पाकिस्तान और अन्य देशों में ड्रग तस्करों और खालिस्तानी गुर्गों के साथ करीबी संपर्क है। विदेशों में बसे खालिस्तानी आतंकी इस नेटवर्क के जरिए भारत में आतंकवादी गतिविधियों, जबरन वसूली और हथियारों तथा ड्रग्स की सीमा पार से तस्करी को अंजाम देने के लिए भर्ती कर रहे हैं। इसके उत्तर भारत में सक्रिय प्रमुख गिरोहों से भी संबंध है, जिनमें स्थानीय गैंगस्टर संगठित आपराधिक सिंडिकेट और नेटवर्क शामिल है। एजेंसी के प्रवक्ता ने कहा कि जांच से बीकेआई और केटीएफ के लिए फंड जुटाने की एक जटिल व्यवस्था का भी पता चला है। फंड भारत सहयोगियों के माध्यम से भेजा जा रहा है। एनआईए ने अपनी चार्जशीट में भारत में आतंकवादी गुर्गों की भर्ती और ऑपरेशन में शामिल उनके इंटरनेशनल लिंक का खुलासा भी किया है। एजेंसी बीकेआई और केटीएफ से जुड़े 16 अन्य फरार और गिरफ्तार आरोपियों के लिंक की भी जांच कर रही है। एक पूर्व गैंगस्टर हरविंदर सिंह संधू उर्फ रिंदा अब एक प्रमुख बीकेआई मेंबर और खालिस्तानी ऑपरेटिव है। इसी के साथ बने रहिए राजनामा टीवी के साथ। धन्यवाद।